बच्चा है ना? शिखा, मुझे बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? मैडम मैंने देखा है, मुझे याद आ गया मैडम, इसी ने चुराया मेरे बच्चे को, बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? शिखा बताओ। शिखा शिखा, नहीं नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी मैया की सासू मैया, तो आप जाके इंटेरोगेट कीजिए और हमारे तरीके से कीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपने तरीके से कर लेंगे। हमें भी बच्चे की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको। देखिए मापा, समय बर्बाद करने के लिए ना सर, सच सच बताओ तुमने इनका बच्चा क्यों चुराया? देखो सच बताओ तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया है। झूठ मत बोलो, इन्होंने खुद देखा है तुम इनका बच्चा चुराते हुए, ये तुम्हारा नाम क्यों लेंगी फिर? सच कह रहा हूँ, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। देखो तुम बात, करिश्मा सिंह ये क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, हमने आपसे पहले ही कहा था जज बातों से नहीं समझेगा ये। चुपचाप बताओ बच्चा कहाँ छुपाया, अभी क्या भी बताओ। देखिए मैडम, आप मुझे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, मैंने कहा ना मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। अम्मा चुप, चूरन गई के एक माँ अपने बच्चे के लिए ना कभी गलत नहीं हो सकती है। अब अगर नहीं बताया ना बच्चा कहाँ है तो हाथ के साथ पैर भी उठाएंगे अभी हम। करिश्मा सिंह आराम से। आराम से मैडम सर, आप आराम से बोल रही हैं? वहाँ एक माँ ने अपने बच्चे को पैदा करते ही खो दिया है और आप आराम से कह रही हैं? हमारे लिए एक एक मिनट अभी कितना कीमती, हम पुलिस वाले हैं, आपके जज्बातों के लिए ना वापस टाइम नहीं है। इसी तरीका से उगलवाएंगे हम, बताओ हमें बच्चा कहाँ। करिश्मा सिंह तुमने चुराया ना मेरा बच्चा? तुमने चुराया ना? हाँ? मुझे पता है। एक मिनट, आप हाथ मत उठाना प्लीज, चोरी सही लेकिन आपकी सास है पुष्पा जी, प्लीज। देखिए मैम प्लीज, हमारा बच्चा वापस कर दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हम क्यों इनका बच्चा चुराएंगे? हमने नहीं चुराया इनका बच्चा। पुष्पा जी को आपसे छोटा लल्ला चाहिए था ये तो पता था, लेकिन इतनी डेस्परेट होंगी कि बच्चा चोरी कर लेंगी ये नहीं पता था। अब मुझे पता चला इनका जो लल्ला है ना वो इनका बेटा नहीं, चोरी का है। सब सुन रहे हैं हम, तुमसे तो हम बाद में निपटते हैं, हमने नहीं चुराया बच्चा, आप तो जानती हैं हम क्यों बच्चा चुराएंगे। तुमने चुराया ना? तुमने चुराया मेरे बच्चे को, मुझे पता है तुमने चुराया, बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? अरे डॉक्टर, आप डॉक्टर, बच्चा खोने की वजह से इनको जो सदमा पहुंचा है ये अपना आपा खो चुके हैं, आप प्लीज कुछ करिए, इन्हें जल्दी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। इमरजेंसी की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, पुलिस ने जो सलूक मेरे साथ किया है ना उसकी कंप्लेन मैं ऊपर तक करूंगा। अब डोंट वरी, मैं इन्हें शिफ्ट करती हूँ। आराम से। कमरा का अच्छे से चेकिंग कर लेते हैं, चोर ने सुराग जरूर छोड़ा होगा। जी मैडम, जी मैडम। हमारा तो संतोष शर्मा, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को कॉल करिए। इस कमरे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं, खास करके इस पालने पर और इस डोर नॉब पर, उन सब को इकट्ठा कीजिए। यस मैडम सर। मैडम आपने हमें याद किया? मैडम सर क्यों आपको याद करेगी, मैडम सर के रिश्तेदार लगते हो आप। नहीं नहीं रिश्तेदार नहीं, हम तो इस अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, शुक्ला जी। अच्छा 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 ठीक है, आइए प्लीज। जी मैडम, हम हैं शुक्ला द सिक्योरिटी इंचार्ज, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है बॉर्डर की सिक्योरिटी से भी ज्यादा। तो फिर इतनी टाइट सिक्योरिटी में बच्चा कैसे चोरी हो गया? हम जानते थे कि आप ये सवाल हमसे पूछेंगे, हम ये भी जानते थे कि एक दिन इस अस्पताल में पुलिस आएगी और हमसे सवाल जवाब करेगी, इसलिए हमने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी। तुम बकैती बंद करोगे, जो पूछ रहे उसका जवाब दोगे? बता रहे हैं मैडम, आप इतना भड़क क्यों रही हैं? अरे देखिए हम शुक्ला हैं, कोई आपकी जेल से भागे हुए मुजरिम नहीं। हाँ तो मैडम हम बता रहे थे कि बच्चा चोरी हुआ होगा, लेकिन वो चोर और बच्चा अभी भी इस अस्पताल में है, ये हम श्योरिटी से बता सकते हैं। अच्छा आप इतने श्योर कैसे हैं? क्योंकि हम शुक्ला द सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। मैडम हम तो लिफाफा देख के ये समझ जाते हैं कि अंदर क्या लिखा है, नारा देख के पैजामे का साइज बता सकते हैं, और हादसा होने से पहले ही हादसे के बारे में सब जान लेते हैं। अच्छा तो आप सब जानते हैं ना, तो ये बताइए इनकी शादी हुई है कि नहीं?
ना। पर इनको शादी करनी है बड़े जोरों से। दो चार बार तो ये रिजेक्ट भी हो चुकी हैं और लड़का भी तलाश रही है पक्का। और कुछ इतना सटीक अंदाज है इनका तो इसको नजरअंदाज तो हम नहीं कर सकते हैं। पुष्पा जी, इनके हिसाब से बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में है, तो आप सारे बच्चों की फोटो लेंगी और जब शिखा नॉर्मल हो जाएगी उसको जाकर दिखाएंगी और पूछेंगी। हम ये क्या कह रही हैं आप? शिखा को वो तो वैसे भी हमें बच्चा चोर समझती हैं। हम शेखर को दिखाएंगे। अम्मा पुष्पा जी, इतना सा बच्चा है। नहीं, अगर... नहीं, 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 मैडम मैडम, इतना तो बच्चा होगा, कम से कम इतना तो। इतना बच्चा है, अगर आप बाप को दिखाएंगी तो वो नहीं समझ पाएगा। माँ जो है ना वो कभी गलत नहीं बताएंगी, इसलिए आप उनसे पूछेंगी। जाइए, अभी हमारा ऑर्डर है। हाँ हाँ, आपको क्या जाता है ऑर्डर देने में। जाते हैं हम ही जाएंगे, और कौन जाएगा। संतू, तुमने कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्फॉर्म किया कि कोई संदिग्ध आदमी बच्चे के साथ मिले तो हमको इन्फॉर्म करे? नहीं, तो कब करोगी? अभी। हाँ, आप जरा हमें सीसीटीवी रूम ले चलेंगे? जी बिल्कुल, हम तो पहले से ही जानते थे कि आप सीसीटीवी फुटेज जरूर देखेंगी, इसलिए हमने पहले से ही सब रिकॉर्डिंग सेव करके रखी है। आप आइए। चलिए। ये है शुक्ला दा सिक्योरिटी इंचार्ज की सिक्योरिटी। देखिए मैडम, जो भी इस अस्पताल में आता है वो बिना गार्ड के जांच के अंदर आ ही नहीं सकता, और उस इंसान के साथ कौन कौन आ रहा है, उसकी क्या उम्र है, इस सबकी एंट्री होती है। अगर कोई बच्चा चुरा कर गेट के बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। और वैसे भी मैडम, शुक्ला दास सिक्योरिटी इंचार्ज के होते कोई बच्चा चुरा कर गेट के बाहर चला जाए, ये होना तो नामुमकिन है। हुआ ना, गया ना चुरा कर बच्चा। हो सकता है चेकिंग में कुछ मिस हो गया हो, लघु शंका का ब्रेक तो लेते ही होंगे। नहीं नहीं मैडम, सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए ना मैडम, 24 घंटे कोई ना कोई गार्ड हमेशा मेन गेट पर तैनात रहता है, एक मिनट के लिए भी मेन गेट खाली नहीं छोड़ा जाता है। और देखिए ना मैडम, मेन गेट के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि बच्चा और चोर दोनों यही मौजूद हैं। आप एक काम करिए, आप ये सारा फुटेज हमें दे दीजिए। जी बिल्कुल, एक काम करो, ये सारी हाय 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 हाय। देखिए क्षमा, शांत 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 हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। देखिए, हम SHO करिश्मा सिंह है, एक माँ का बच्चा चोरी हुआ, उन्होंने बोला इन्होंने चुराया और हमने मान लिया। ये जो कुछ भी जो हुआ है ना, ये गलत फहमी है, ठीक है? हमारे बीच में उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अगर पता नहीं था तो एक निर्दोष कर्मचारी को क्यों इतना मारा गया? ये सरासर पुलिस की गुंडागर्दी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शांत 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 हो जाइए। देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसीलिए हम आप सबसे माफी मांग रहे हैं। माफी से कुछ नहीं होगा, मैडम ने जो किया है उनके लिए डिपार्टमेंट के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वरना हम हड़ताल पे चले जाएंगे और पुलिस के खिलाफ ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे। लखनऊ पुलिस हाय 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 हाय। कहीं आज हमें बलि न चढ़ा दे, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा कीजिए। देखिए जरा बताइए, इसमें से कोई आपका बच्चा है क्या? देखिए तो, इसमें से कोई आपका बच्चा तो नहीं है? क्या क्या कर रही हो? नहीं नहीं, देखिए देखिए, गांधी जी ने कहा है हिंसा बहुत गलत बात होती है, चाकू जो है ना वो छोड़ दीजिए, लग जाएगा ना तो खून निकल आता है। हमें माफ कर दीजिए। डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा चुराने का इल्जाम हमने आप पर भी लगाया है,
लेकिन हम क्या करते, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम खुद क्या कर रहे हैं। बस हमें हमारा बच्चा दिलवा दीजिए। देखिए, हम आपकी स्थिति समझते हैं, आप आइए बैठिए, बैठिए। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, बहुत जल्द आपका लल्ला आपकी गोदी में होगा, आपके साथ। पहले ये बताइए, इसमें से कोई बच्चा आपका है? ये सारे बच्चे फिलहाल अस्पताल में ही हैं। ये एक बेटे, ये भी नहीं। श्रीमान। सर, मैं क्या कर रहे हैं आप? सर, घर का नेम प्लेट वो हल्का हो गया था ना, इसीलिए डार्क कर रहा हूं। मूर्ख मानव है आप, सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है। बाहर जाइए, जाइए और हमारी गाड़ी साफ कीजिए। रिक्शा मंगवाएं? नहीं तो आइए ना जल्दी। वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स आ गई है मैडम। जयंत सर, जयंत सर। आप दोनों की पोस्ट की अदला बदली का अभ्यास अब यहीं समाप्त होता है। करिश्मा सिंह वापस से एसआई के पद पर काम करेंगे और आप हसीना मलिक एसएचओ का पद वापस से संभालेंगे। लगा ही था मुझे सर, जिस मूड में आपने एंट्री ली थी ना, मुझे लगा ही था करिश्मा मैडम पे बम फटेगा। जब आपने हमें मौका दिया था तो हमें लीड करने दीजिए, तभी हम अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे सर। माफ कीजिए सर, लेकिन ये केस बहुत नाजुक हो चुका है। बच्चा चोरी होने की वजह से माँ अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और करिश्मा सिंह की गुस्से की वजह से हॉस्पिटल के सारे वार्ड बॉयज और स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। आई थिंक आपका डिसीजन सही है। हाँ, आपको तो सही लगेगा ना, क्योंकि आपको हमारे अंडर काम करने में दिक्कत जो हो रही थी सर। हड़ताल हमारे वजह से नहीं, इनके वजह से हुई है, क्योंकि हमने इनको ऑर्डर दिया था कि वार्ड बॉय से जल्द सच उगलवाए, जो ये नहीं कर पाए, इसलिए हमें अपना तरीका अपनाना पड़ा। इन्होंने अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाया सर। ड्यूटी नहीं निभाई या आपके तरीके से ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है करिश्मा सिंह? आप SHO हैं, उस पोस्ट की गरिमा का ध्यान रखते हुए आपको हर कदम उठाना चाहिए। हर बार मारपीट करके बात नहीं बनती है, और ये चीज आपको कितनी बार समझाई जाए? आपके जज्बातों से बच्चा वापस आ गया? आपने हमें मौका ही नहीं दिया। शांत शांत, आप दोनों शांत हो जाइए, हम जा सकते हैं। श्योर सर। हमने ये पोस्ट की अदला बदली का प्रयोग इसलिए किया था ताकि आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को अधिक समझ सकेंगे। आप दोनों के काम करने की विधि का अवलोकन करने की हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। अवलोकन, ऑब्जर्व, पर हमारा ही प्रयोग इस तरह से धराशायी साबित होगा, इसका हमें आभास नहीं था। आभास, अवेयरनेस। करिश्मा सिंह, अस्पताल में जो कुछ भी हुआ सही नहीं था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इसीलिए हमें आपको SHO की पद से अवनति कर SI की पद पर लाना होगा। अवनति डिमोशन 2.0। वैसे देखा जाएगा तो हम इसे अवनति तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने केवल आपको आपके वास्तविक पद पर काम करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हड़ताल पर बैठे लोगों को ये संदेश जाना जरूरी है, डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, तभी ये हड़ताल समाप्त होगी। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर ये सभा समाप्त होती है, हम प्रस्थान करते हैं। अरे हाँ, आप दोनों से एक और बात कहनी थी। एक अति महत्वपूर्ण कार्य हम आप दोनों को सौंप रहे हैं। कल तक आप दोनों को एक दूसरे के बारे में 3 बुरी बातें एक कागज पर लिखकर हमें देनी होंगी। अभी बता सकते हैं सर। अद्भुत, इतने मिलते जुलते हैं ना इनके विचार। अभी नहीं, 24 घंटे का समय है आप दोनों के पास, कल तक इस कार्य को पूरा करके हमें देना होगा। चलते हैं, आगे दीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। संतु, तुम वो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बता रही थी। हाँ, वो पालने से सिर्फ नर्स की फिंगरप्रिंट्स मिली और किसी की नहीं। और CCTV फुटेज? फुटेज के साथ भी किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। इनफैक्ट मैंने खुद ने क्रॉस चेक किया है, सिक्योरिटी गार्ड ने भी किसी की भी रिपोर्ट्स देखे बिना उन्हें हॉस्पिटल से नहीं जाने दिया। और जितने भी बच्चे अस्पताल में थे, सारे बच्चों की तस्वीरें मैंने शिखा को दिखाई, वो कह रही उसमें से एक भी उसका बच्चा नहीं है। इतनी टाइट सिक्योरिटी, बच्चा हॉस्पिटल में भी नहीं है, तो फिर बच्चा चोरी हुआ कैसे? ये चोर बहुत शातिर है। चोर? बिल्लू? बिल्लू कहाँ है? वो DSP सर ने उसे बिल्लू निवास से हटा दिया ना, बैठा होगा रूट के बदनाम किटिए पे, और कहाँ जाएगा? नहीं नहीं मैडम, सर नहीं। नो मींस नो। आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नए DSP सर ने मुझे विरुद्ध स्पाय को अपने बिल्लू निवास से निकाल दिया। और मैडम सर उन्होंने कहा कि श्रीमान आप निकम्मे हो। तो इसमें बुरा मानने क्या बात है श्रीमान, वो तो आप हो ही। आज तक इतना बड़ा इंसल्ट मैंने नहीं झेला। हम समझते हैं। देखो बिल्लू। क्या देखूं? आप देखो मैडम सर, आप देखो इस महिला पुलिस थाने के लिए विरुद्ध स्पाय ने क्या कुछ नहीं किया। विरुद्ध चोर से विरुद्ध स्पाय बना। लेकिन ये नए DSP सर ने मुझे निकम्मा मूर्ख माना, श्रीमान श्रीमान बोल के क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन आप दोनों ने रोका ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। कहा होता नहीं नहीं बिल्लू को मत जाने देना, बिल्लू बहुत ही काम का आदमी है। लेकिन नहीं, वो तो तू है ही नहीं। क्या नहीं है, काम का नहीं है या आदमी नहीं है, चपड़ गंजो। देखो बिल्लू, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है? प्लीज माफ कर दो, हमारी मदद कर दो। नहीं मैडम सर, बिल्लू द स्पाई ऑफ ड्यूटी नाउ। बिल्लू द स्पाई ऑन ड्यूटी। उस अस्पताल का रूम दिखाइए जहाँ से बच्चा चोरी हुआ है। देखा सर, जहाँ सर ना हो आपके जज्बात का वहाँ सर दिखाए भोकाल करिश्मा सिंह का। अनुभव भैया भी DSP बन के ना हमारा दिमाग एकदम खराब कर दिए हैं, पीछे पड़ गए हैं हमारे। आप ही के भाई हैं। कैसे भाई हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब मन करते हैं प्रमोशन कर देते हैं, जब मन करते हैं डिमोशन कर देते हैं। ये सब चक्कर में हमारे मोशन के साथ खेल रहे हैं वो। आई एम बिल्लू द स्पाय और मेरी थ्योरी ये कहती है कि बच्चे को चुरा के इन खिड़कियों से भागना इट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, क्योंकि इस हॉस्पिटल से मेन गेट के अलावा कोई और एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी नहीं है। ये टोपा चोर बच्चा कैसे चुरा ले गया? वैसे अगर मुझे बच्चे को चुराना होता तो मैं इनके पेपर्स पहले चुराता, क्योंकि पेपर देख के यहाँ का गार्ड किसी को अस्पताल से बाहर भेज रहा है। शिखा, आपके पेपर्स चोरी हुए हैं क्या? नहीं, पेपर्स चोरी तो नहीं हुए, लेकिन डिलीवरी के ठीक 1 घंटे बाद कोई नर्स आई थी, वो मेरे सारे पेपर्स लेकर चली गई, जिसमें मेरे ID प्रूफ्स,
एडमिट कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे। अरे श्योर कि कोई नर्स ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर वाली सारी फॉर्मेलिटीज आपके एडमिट होने के टाइम ही कर ली जाती है, बाद में हम कोई पेपर भी नहीं लेते। और यहाँ पे मेरे अलावा कोई और नर्स की ड्यूटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो जो कोई भी चोर है वो यहाँ नर्स बनकर आई, शिखा से उसके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स लिए, फिर शिखा बनकर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चली गई। हमें सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना चाहिए। शिखर हमारा बच्चा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? शिखर देखिए प्लीज हमारा बच्चा ढूंढ लीजिए, मैंने तो अभी तक उसको जी भर के देखा भी नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बच्चे को सही सलामत आपको लौटाएंगे। हम भी वादा करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या बात है करिश्मा सिंह, बहुत परेशान लग रही हैं। बच्चे को लेके चिंता हो रहा है मैडम सर, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा, वो भी बिना माँ के। इसी बात से ना हम थोड़ा अपसेट फील कर रहे हैं कि हमारे रहते हुए वो बच्चा अभी भी अपनी माँ से दूर है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। कैसे भी करके इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचाना है मैडम सर हमको। करिश्मा सिंह, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप जो चाहती हैं ऐसा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप और हम हमारे पर्सनल डिफरेंसेस को भूल कर सिर्फ और सिर्फ मकसद पर ध्यान दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बार बस ये बच्चा अपनी माँ के पास सही सलामत पहुंच जाएगा ना, फिर उस बच्चा चोर को हम बताएंगे कि दूध मुंह बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का अंजाम क्या होता है।